नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानव अधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष सैयद सिराज अहमद ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सितारगंज में नगर अध्यक्ष की समीर अहमद को जिम्मेदारी सौंपी। वहीं आपको बता दें कि सैयद रियाज अहमद ने कहा कि पूरे प्रदेश में हर मजलूम बेसहारा परेशान व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानव अधिकार संघ हमेशा खड़ा है और मानव अधिकार का हनन रोकने तथा इस प्रचार प्रसार करने और सरकारी की सभी योजनाओं को भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने, प्रत्येक नागरिक को जागरूक करने के लिए कहा। जो मौलाना सिराज अहमद साहब ने इस लायक बनाया है, मुझे जो पद दिया गया है नगर अध्यक्ष का, इंशाल्लाह मैं उसमें खरा उतरूंगा और इनका मान सम्मान करूंगा और जो गरीबों की मदद करने लायक करना होगी वो मदद करूंगा उनकी, और विकलांग और भी जो भी परेशानियाँ लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनकी मदद करूंगा इंशाल्लाह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानव अधिकार संघ की जानिब से डॉक्टर समीर को नगर अध्यक्ष की नियुक्ति की है। और जिस तरह से जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था उत्तराखंड का, हमारे जो पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अफरोज अली साहब, तो मैंने जब ये भार संभाला तो उसके बाद मैंने कई पद लोगों को दिए, लेकिन मुझे यहाँ पर इनके कुछ काम पसंद आए और इनसे उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह से हम निःशुल्क बग़ैर किसी लालच के गरीबों की और बेवाओं की और दुखियारों की जिस तरह से आज तक आवाज़ें सुनते चले आए हैं और हमेशा पूरा संगठन हमारा उनके साथ रहा है न्याय के साथ, क्योंकि न्याय मानव अधिकार है ये, तो मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर समीर साहब भी इंशाल्लाह ताला कांधे से कांधा मिलाकर गरीबों के साथ और वो दुखियारे जिनकी आवाज़ें कोई नहीं सुनने वाला है उनके साथ ये हमेशा खड़े रहेंगे। मैं इनसे उम्मीद रखता हूँ।